हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो चुका है। 12 मार्च 2019 सीबीएसई बोर्ड का जो एग्ज़ाम था आज हमारा, बहुत ही इजी पेपर हमारा केमिस्ट्री का आया था। तो चलिए आज इस वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं। मेरा सेट है 3 और कोड नंबर है 56 2/3। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में से कौन रिएक्टिव ज़्यादा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में और वाई। तो इसमें हमारा आंसर होगा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में CCl बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है देना था। तो इसमें हमारा फर्स्ट C2H5NH2 आएगा, सेकेंड C2H5 होल ट्वाइस NH, और थर्ड आएगा हमारा C6H5NH2। क्वेश्चन थर्ड है, टाइप ऑफ कोलोइडल फॉर्म्ड व्हेन अ सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन अ गैस गिव एन एग्जांपल। फ्रेंड्स, इसमें हमारा एरोसोल है और इसका एग्जांपल हमें जो देना है वो स्मोक दे सकते हैं, और भी एग्जांपल हैं आप दे सकते हैं जिसमें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आउट ऑफ KCl एंड AgCl विच वन शो शॉर्ट की डिफेक्ट एंड वाई। तो इसका आंसर KCl है, AgCl तो हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट शो करता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, राइट द प्रोडक्ट ऑप्टेन आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोलिसिस जब हम लैक्टोज का करेंगे तो हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। सेक्शन बी जो 2 मार्क्स का हमारा सेक्शन था, इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इसमें हमें रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी थी, और हमें जो ग्राफ दे रखा है उसमें हमें बताना था कि उसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें पता है, सम ऑफ पावर होता है कॉन्सेंट्रेशन का, उनमें जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं उनकी पावर का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो हमें इसकी इक्वेशन लिखनी थी, और जो फर्स्ट हमारा ग्राफ है इसका जो हमें ऑर्डर बताना है वो फर्स्ट है, और जो सेकंड ग्राफ है उसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, एन इंक्रीज टेम्परेचर इज ऑब्जर्व ऑन मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो फ्रेंड्स, इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्यों होता है जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करते हैं? तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक होता है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सेकेंड क्वेश्चन, एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। बिकॉज फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वार्म वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन अच्छे से डिजॉल्व नहीं होती है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो जो ब्रीथ करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है हमारा, जिसमें मैंने सेकेंड पार्ट अटेम्प्ट किया था, उसका फर्स्ट पार्ट है, राइट टू पॉइजनस गैसेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस। तो फॉस्डीन और टीयर गैस जो है इससे। नंबर टेन जो हमारा है उसमें IUPAC नेम हमें देना है। तो ये कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, फर्स्ट में पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेट क्रोमेट थर्ड। तो इसका फॉर्मूला हमारा ये बनेगा, और जो सेकेंड वाला है हेक्सा एक्वा मैगनीज सेकेंड सल्फेट, उसका जो हमारा फॉर्मूला है वो ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट राइट द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम ऑफ बटर। तो फ्रेंड्स, जो वाटर होता है वो डिस्पर्स फेज, और जो ऑयल होता है वो डिस्पर्स मीडियम होता है। व्हाई डज फिजॉप्शन डिक्रीज व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, ये एक्सोथर्मिक होता है नेचर में, और इसको हम ΔG = ΔH − T ΔS से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा जो हाइड्रोलिक वॉशिंग है, इसका हमें प्रिंसिपल बताना था। तो इसका प्रिंसिपल ग्रेविटी सेपरेशन पर ये वर्क करता है, जो हैवी गैंग और मेटल होंगे नीचे होंगे और बाकी ऊपर। क्रोमेटोग्राफी में फ्रेंड्स, जो हमारा होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर डिफरेंटली एड्सॉर्ब्ड ऑन एन एड्सॉर्बेंट। यानी क्रोमेटोग्राफी में जो अलग अलग मिक्सचर होते हैं वो अलग अलग एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब्ड होते हैं, इस प्रिंसिपल पर ये बेस है। थर्ड पार्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें हमारे सिर्फ सल्फाइड ओर्स को हम इससे प्योरीफाई करते हैं, और सल्फाइड ओर जो होते हैं वो प्रिफरेंशियली वेट हो जाते हैं और पाइनोल से
और जो इम्प्योरिटीज हैं वो वाटर से वेट होकर सेटल डाउन हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। फ्रेंड्स इसका आंसर है बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन और हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नीज हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट इवन थ्रो इट हैज़ अ हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स इसके लिए ये हमारा इसलिए होता है क्योंकि जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। थर्ड है, सी फोर पॉजिटिव इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज हमारा जो सी फोर पॉजिटिव है वो सी थ्री पॉजिटिव में भी रिड्यूस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में सेकेंड इसका जो फर्स्ट पार्ट है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर्स यूज फॉर गेटिंग फॉर द फॉलोइंग पॉलीमर। नोवोलैक, नोवोलैक फ्रेंड्स ये इसका बैकेलाइट का ही सेकेंड नेम है और बैकेलाइट के जो मोनोमर्स होते हैं वो है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, जिससे हम रिएक्शन करके सॉल्व करके नोवोलैक बना सकते हैं। सेकेंड है नियोप्रीन, जो क्लोरोप्रीन उसका मोनोमर है, जिसे हम नियोप्रीन बना सकते हैं, रिएक्शन लिख सकते हैं। बुनाएस, जो दो मोनोमर से बनता है स्टाइरीन और 1.3 ब्यूटाडाइन, तो इनसे भी हम ये शो कर सकते हैं, इसकी रिएक्शन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में ये जो कन्वर्जन थे, सेकेंड वाला कन्वर्जन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड टू नाइट्रा बेंजीन, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बेंजीन के ऊपर N2Cl, हम तीन रिएजेंट से NO2 बना सकते हैं, तीन हमें डालना पड़ेगा, HBF4, NaNO2 एंड Cu। सेकेंड क्वेश्चन, बेंजोइक टू एनिलीन, तो हम पहले बेंजोइक एसिड से हमें एनिलीन बनाना है, तो पहले SOCl2 से हमें COCl ऊपर बनाना पड़ेगा, फिर NH3 से NH2, फिर Br2 से हम उसे NHCO हटाकर NH2 से एनिलीन बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में जो हमारा सेकेंड पार्ट था, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म विद अ सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ ईच, एंटीबायोटिक। तो फ्रेंड ये जो एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक था, दोनों ही सेम सेम मीनिंग के होते हैं। एंटीबायोटिक भी किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोम्फेनिकोल, और एंटीसेप्टिक जो होता है वो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे डिटॉल, सेवलॉन और 0.1% ऑफ फिनॉल एक्सेट्रा। एनायनिक डिटर्जेंट वो डिटर्जेंट होते हैं जिनमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एनायनिक को शो करती है, जैसे सोडियम डोसाइल सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट है इनवर्ट शुगर। तो फ्रेंड्स ये हमारी आर्टिफिशियल शुगर नहीं होती है, इनवर्ट शुगर यानी मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सेकेंड है नेटिव प्रोटीन, तो नेटिव प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन विच फोल्ड और अनस्क्रैम्बल फॉर्मल फुल्ली फंक्शनल, फॉर एग्जाम्पल एंजाइम एक्शन जो होता है वो इसका एग्जाम्पल है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड फ्रेंड्स अ न्यूक्लियोटाइड इज अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड टू लिंकेज टू फॉस्फेट ग्रुप सच एज DNA, इसमें एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 24, बेंजीन एसिड इज स्ट्रोंगर एसिड दैन एसिटिक एसिड बिकॉज प्लस आई इफेक्ट देता है ये। गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन, तो आइडो फॉर्म से हम इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और इसमें आइडो फॉर्म से हम रिएक्शन कर सकते हैं 4I2+6NaOH से। सेक्शन डी 5 मार्क्स के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सेकेंड पार्ट इसका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम H2O टू H2TE, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम ओ से नीचे की तरफ नीचे ग्रुप में जाएंगे तो एच आयन देने की टेंडेंसी मोर इजीली होती जाएगी, जिससे उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। सेकेंड F2 इज मोर रिएक्टिव देन ClF3, वेयर ClF3 इज मोर रिएक्टिव देन Cl2 बिकॉज FF बॉन्ड जो है लोअर देन होता है ClF3 के और Cl बॉन्ड F बॉन्ड वीकर होता है ClCl के। ड्रॉ दी स्ट्रक्चर करने थे तो बहुत ईजी थे फ्रेंड्स, XeF2 का इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा और H4P2O7 का इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, फिनॉल इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो फ्रेंड्स फिनॉल को जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के तरफ करेंगे तो सिर्फ ऑर्थो या पैरा पर नहीं आएगा, ऑर्थो दोनों डायरेक्शन में और पैरा तीनों पर NO2 आएगा हमारा।
और जो हमें अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, तो फिनॉल, वाटर, फिर इथेनॉल। और जो हमें डिस्टिंग्विश करना था बी पार्ट, ब्यूटेन वन ऑल और ब्यूटेन टू ऑल, तो इसे हम आइडोफॉर्म से कर सकते हैं। ब्यूटेन टू ऑल नहीं देगा, ब्यूटेन वन ऑल देगा। 4I2+6NaOH से हम रिएक्शन कर कर दिखा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 था, इसमें मेरा जेड इक्वल्स टू 2 यानी BCC क्यूबिक यूनिट सेल हमारी ये आएगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए।